भाजपा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, आज मीडिया के नुमाइंदों से बात कर कुछ बात रखना चाह रहा हूँ। मैं तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन का एक वसवसा लगा हुआ था लोगों में कि लॉकडाउन लगा जाएगा, तो हमारे इमाम अजामिन साहब एक मीडिया में आके ये बोले कि तेलंगाना में कंट्रोल कर रहे हैं, लॉकडाउन कभी नहीं होगा। तो आवाम कोई खौफ नहीं था, बेफिक्री से थे, इसलिए था कि रमज़ान है, रमज़ान अच्छा गुजरेगा। मगर अचानक रात का कर्फ्यू लगाया गया, मगर आवाम उसका खैर मकदम कर सोशल डिस्टेंस मास्क पुलिस को भी कॉपरेट कर रही थी, चल रहा था। अचानक इमादुल्लाह सामी साहब के जो आका है उन्होंने क्या करे, अचानक दो दिन पहले इससे लगा दिए। तो पहली चीज़ तो छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले हैं, साल में एक बार लोग कमाते हैं इंटरेस्ट से पैसे ला के परेशान होकर जो चंदा पर छोटे कारोबार करते हैं, तो उससे बहुत आवाम परेशान हो गए। फिर दूसरी बात, माइनॉरिटी से नाइंसाफी इसलिए करे, तेलंगाना गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हमारे चंद्रशेखर राव साहब मस्जिदों में सिर्फ 5 आदमी की इजाज़त दे रहे हैं और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं लोग। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब भाई साहब कहने कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई मास्क नहीं है, वहाँ पे धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। परसों गुड्डी मलकापुर पे देखा मैं, आप फलकनुमा ले लीजिए, शमसीगढ़ ले लीजिए, उड़मगड्ढा ले लीजिए, बहुत सारे जगह पर, तो वहाँ पर हमारे केसीआर साहब को कमीशन मिलता है, इसलिए उन्होंने वो चीज़ को वहाँ पे 5 आदमी ने 10 आदमी में कितने चाहे करो ये कर रहे हैं। तो शुरू से माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपके एमपी जो रविंद्र रेड्डी साहब, उनको क्यों रोका जा रहा है? उनको इसलिए रोका गया कि उन्होंने 1000 आदमी की खाने का इंतजाम कर रहे थे 5 हॉस्पिटलों में, कंटोनमेंट हॉस्पिटल, इनकोटी हॉस्पिटल, उस्मानिया, गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पे एक दिन बांटे भी। मगर एक टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर साहब बगलाट का शिकार बनकर वहाँ पर बेगमपेट पे रोका गया है, जबकि एमपी है, आप गाड़ी चेक करें, चेक करने के बाद ये करते हैं, फिर पुलिस पे बरहम हुए तो पुलिस के वहाँ के अहदेदार ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं भी पब्लिक की ड्यूटी कर रहा हूँ, आवाम की। तो मैं पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार साहब को ये बोल रहा हूँ कि जब लोग निकलते हैं रोड पर, सोशल वर्कर या आम आदमी, तो आप गाड़ी चेक करिए, देखिए उसमें खाना है क्या है, देख कर छोड़िए। और महेश भगवत साहब रचाकुंडा हमारे सजना से, अब जो साइबराबाद कमिश्नर है, पूरों से अपील करना चाह रहा हूँ मैं, हुकूमत जो है ना कर रही, ना किसी को करने दे रही। आवाम गांधी हॉस्पिटल में, तीनकोटी हॉस्पिटल में, उस्मानिया हॉस्पिटल में, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है और लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, वहाँ जो साथ रह रहे हैं। मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो मिनिस्टरी थी, एटराजन साहब को जो इल्ज़ाम लगा के हटा दिए, वो बाप बेटे करने चीफ मिनिस्टर आकर बेटा वो फार्म हाउस पे, बाप ये फार्म हाउस पे तानाशाही कर रहे हैं। मगर जब जब माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी किया जाएगा तो अल्लाह की मार पड़ेगी, और इंशाल्लाह आज आवाम जान रही है इनका चेहरा, टीआरएस गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी कर रही है। 2023 में इंशाल्लाह इनका नस्व नाबूद हो जाएगा, इसलिए कि ये लोग शुरू से नाइंसाफी कर रही है। हमारे इबादत गाहों को भी नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और एक पब्लिक में एक खौफ है कि लॉकडाउन हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा बोल के, तो केसीआर साहब फार्म हाउस से निकलिए और ज़रा होश में आइए। अगर आप ले के अगर होश में आ गए तो निकल कर आप पहले राशनों की दुकानों में चावल बढ़ा के दीजिए, अकाउंटों में पैसे डालिए आप लोग, और दवाखानों के इंतजाम को देखिए, और जो लोग मड़गियों के किराए, घरों के किराए, वो लोग क्या करेंगे। आज भी देखा लाइट का काउंटर खुबा कॉलोनी में पड़ा हुआ है, लाइट बिल का बिल बनो बोल के, तो आवाम क्या करेंगी, लाइट के बिना ने कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट जो है कांग्रेस को कमजोर समझ रही है तेलंगाना स्टेट में। नहीं नहीं, कांग्रेस एक समंदर है, कांग्रेस के खाली एक रेवंत रेड्डी टाइगर जब बाहर निकलते हैं, एक दिन जब बांटते हैं तो केसीआर साहब के होश खो गए, एक ही शख्स अभी तो और बाकी है हमारे पास। तो अगर आपको खौफ नहीं है तो काम करना देना था, तो इंशाल्लाह हम भी रेवंत रेड्डी साहब के साथ हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है। अभी तो आवाम एक सबर का मुजाला कर रही है, पुलिस भी अच्छा कॉपरेट कर रही है। पुलिस परसों में एक वाकया हुआ है, हसन नगर से निकलते हैं बच्चे को खून चढ़ाने के लिए और पुलिस बादरुपुरे पर रोक लगे, चालान मारती है,
जबकि उन्होंने पास बता रहे हैं, दवाखाने का बता रहे हैं। इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ पुलिस की, क्योंकि अगर आप दवाखाने पर जा रहे हैं या कुछ पास बता रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, तो अंजनी कुमार साहब भी बोले उसका खैर मकदम करो। मगर हमारे इमाम जामिल साहब के पास इतना बड़ा फोर्स रख के भी डम्बी बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके आखा का जब तक हुक्म नहीं मिला ना कुछ नहीं कर सकते। और हमारे जोकर सलीम साहब भी बीच में बोले हम भी बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? परसों दो गाड़ियाँ निकाल के 15-15 जने मिलके झंडियाँ बता के फोटोआ खींच के बांट रहे। बोले अरे बांटने का वक्त तो अब है, आप निकलो ना, वो तो तुम्हारे पास भी तेलुगुदेशम में रहो तब रहो कमाइसो। तो इंशाल्लाह माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं निकलना चाहिए, बांटना चाहिए, आवाम को राहत पहुँचाना चाहिए। और टीआरएस गवर्नमेंट फेल हो गई है, लिहाजा केसीआर साहब इससे होश में आइए और माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी मत करिए, वरना पूरी कांग्रेस उड़ जाएंगी, रोडों पे निकलेंगी, धरने भी देंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह की मार तो आपके पास।